साहिब जी धन वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन न साको तू ठाकुर ऊच भगवाना कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप हरख सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई गुर पूरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुर पूरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकी शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकी शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही परम सम्मान योग जवर शतर तखत दे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारियो वड्डियां भागां वाले हाँ कि जिन्हां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बैठ के कुछ घड़ियां गुरमत विचारां सांझियां करन दा सुभागा समा प्राप्त होया है। आप सरबत संगत रल मिल के खालसे दा प्रगट दिहाड़ा मना रहे हो
आओ जिथे असी इतिहासक विचारां सांझियां करनियां ने उत्थे ही शहीदां दे सिरताज धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दे वल्लों बिलावल राग दे विच उचारण कीता होया पावन शब्द भी सांझा करना है जिसका पाठ हुणे आप जी ने सरवण कीता है। आओ शब्द दी विचार इतिहासक विचारां नूं आरंभ करन तो पहला कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वल्लों बख्शिश कीती होई गुरु फतेह नाल सांझ पाईए। बड़े ही प्यार ते सत्कार नाल गुरु फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी इको कर दिओ थोड़ी। आपां सब ने रल मिल के बाणी दीआं पंक्तियां नूं पढ़ना है ता जो साड़ी सुरत एकागर हो जावे। उस तो बाद आपां बाणी दी विचार वाले पासे नूं तुरदे हां। शब्द दा रहाउ वाला बंद है गुर पूरा है मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई। इसे रहाउ वाले बंद नूं आपां रल मिल के गायन करना है। तो एक बेनती मैं पहला करदे हां कि जदों दास दे वल्लों पंक्तियां पढ़िया जाणगियां उस तो बाद आपने पढ़ना ते सब दी आवाज आवे। बहुत ही बार ऐसा होंदा है कि बुलारा ते पंक्तियां पढ़ दिंदा है पर संगत दे वल्लों रिस्पोंस नहीं आउंदा। ते जो संगत वल्लों रिस्पोंस ना आवे फिर एक रस बनदा नहीं ते विचार जिहड़ी उह सोहणे ढंग दे नाल आरंभ नहीं हुंदी। बहुता समा ते कई बार संगत नूं इही कहिंदे आ लंघ जांदा है वी साध संगत जी बाणी नूं पढ़ लो आओ रल मिल के शब्द नूं पढ़ीए। इस करके मेरी बेनती है सबना की आवाज आवे जिन्ने का आप बैठे हुए हैं ना पता लगे भी असं वाकई बैठे हुए हैं कि ये ना हो शरीर तो इतने है पर मन करके असं कित होर घूमते हुईए मन करके घर च बैठे हुईए या मन करके कित होर होइए। इस करके जे साडे शरीर मौजूद ने अपनी सुरतां नूं टिकाईए तो आओ रल मिल के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी का पाठ करिए। गुर पूरै मेरी राख लई 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 अमृत नाम हृदय मैं दीनो 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 जन्म जन्म की मैं लगाई 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 गुर पूरा जन सिमरिया गुर पूरा जन सिमरिया सेई पए निहाल सेई पए निहाल नानक नाम अरातन
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ 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 ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕਹੋ ਸਾਂਝਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕਹੋ ਸਾਂਝਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਕੀ ਰੱਖ ਲਈ? ਇੱਜ਼ਤ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ
ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਖੁਆਰੀ ਭਰ ਗਈ ਸਗੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਮਾਣਕ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਆਖਿਆ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਉਹ ਪਏ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਜੂਏ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਲਿਆ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈ ਜੇ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਸਿੱਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਧੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਐਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੀ ਅੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ
भाई लखविंदर सिंह जी वर्गे वह शब्द जो पढ़ते हैं बेशक शरीरक तौर के उत्ते उन्हां दी अखां नहीं हैगियां पर किन्ने किन्ने शब्द उन्होंने जबानी कंठ ने किन्ने किन्ने शब्द जबानी कंठ ने ते कई मेरे वर्गे ऐसे भी होंगे ने जिन्हां दी अखां हैगियां ते उन्होंने मोबाइल अगे रखिया हुंदा या कार्ड उत्ते शब्द लिखिया हुंदा ते फर्क है ना हुण गुरु साहब ने आख्या कहिंदे अंधे एना आखियन जिन मुख लोयन नाहे अंधे सेई नानका खसमो कुथे जाहे कहिंदे अन्ना कौन है डेफिनेशन की है अन्ने दी अन्ना ओह है जिहड़ा अपने खसम मालक अकाल पुरख नालों टुट जांदा है ना गुरु पातशाह ने उस नूं अन्ना आखिया ते पातशाह ने आखिया कहिंदे हे भलिया जे तेरा गुरु ही अन्ना होया जिहड़ा गुरु रब नालों टुटा होया जिस गुरु के जीवन में ही अकाल पुरख वाली विचारना हुई हुण गुरु ग्रंथ साहब दे विच इको गल है ना जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो इत्थे जो गुरु ग्रंथ साहब की गल चलेगी तो आप आखांगे बाणी का वाक धुर की बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई ये तो रब्बी बाणी है ये तो अकाल पुरख की विचार है पर जिथे अधूरियां दी गल आवेगी ना उथे गुरु पातशाह ने अन्ना लफज वरतिया कहिंदे गुरु जिन्हां का अंधुला सिख भी अंधे कर्म करेन जिन्हां दा गुरु ही अन्ना होवे ना ते उहनां दे पिछे लगण वाले जिहड़े चेले हुंदे ने उह भी अन्नियां वाले काम नहीं करदे भाव उह भी रब नालों टुटे हुंदे ने गुरु दी विचार तों दूर हो के वहमां भरमां कर्मकांडां दे विच फस के अपने जीवन नूं बतीत करदे ने इक वाक बाणी दा होर है साहिब जिसका नंगा भुखा होवै तिसदा नजर कितों रज खाए कहिंदे जिहदा साहिब ही नंगा भुखा होया जिहदा गुरु ही नंगा भुखा होया दसो उहदा नौकर उहदा सिख कितों रज के खा लवेगा हुण जे मालक कोल कुछ नहीं है तो नौकर नूं की देवेगा साहिब जिसका नंगा भुखा होवै तिसदा नफर कितों रज खाए उह रज के नहीं खा सकदा ते इक बेनती करां आपां किते भी भटक लईए दुनिया दे विच जिहड़ी दात सतगुरु सच्चे पातशाह ने दित्ती है ना अमृत दी ये दात बड़ी वड्डी है एक बेनती इत्थे मैं करनी चाहवांगा आपां ना केवल कई बार ऐसा सोच लैने आ जिन्हां ने खंडे दी पौल लै लई पहला मैं उन्हां दी गल कर लवां जिन्हां ने खंडे दी पौल लै लई कई बारी सारिआं दी गल मैं नहीं करदा बड़े सियाणे सज्जण हुंदे ने कई पर कई बार कईआं दे मन विच ऐसा बह जांदा क्योंकि कई साध बाबियां दे वल्लों ना ये गल्लां प्रचारियां गईयां भी भाई सजनो एक बारी ना खंडे की पौल लै लो ते जिन्हें एक बारी खंडे की पौल लै ली ना 10,000 सालां तक वह नरकां दे विच नहीं पैंदा 10,000 सालां तक वह नरकां दे विच नहीं पैंदा हुण पहली गल ते इत्थे जाके रोंग हो जांदी है बाणी दा वाक है बाणी ने स्वर्ग ते नरक दोनों नूं रिजैक्ट कीता किसी नूं नहीं मन्निया बाणी दा वाक है ना पातशाह ने आख्या सुरग वासना बांछी है डरिए ना नरक निवास होना है सो हुई है मने ना कीजे आस जो होना होवेगा हो जाएगा एवं कानू आसा ला के बैठा भी मैं स्वर्गा जावांगा जां नरकां जावांगा पर यह गल्लां साडे समाज आम प्रचारियां गईआं पर बाणी दे विच कह दिता कबीर सुरग नरक ते मैं रहे हो सतगुर कै प्रसाद कहिंदे मैं स्वर्ग तो नरक तो पासे हो गया मैनू ना स्वर्ग चाहिदा ना नरक चाहिदा कौन कह रहा है बाबा कबीर जी कह रहे हैं कबीर सुरग नरक ते मैं रहे हो सतगुर कै प्रसाद मैनू ते गुरु की कृपा मिल गई प्रसाद का मतलब है कृपा मैं ते गुरु की कृपा का पात्र बन गया हुण ना मैनू स्वर्ग चाहिदा ना मैनू नरक चाहिदा मैनू लोड़ ही नहीं किसी चीज की कबीर सुरग नरक ते मैं रहे हो सतगुर कै प्रसाद चरण कमल की मौज मैं रहो अंत अर आद मैं ते हुण हमेशा मालक दे चरण कमलों की मौज में रहना चरण कमल का मतलब है गुरु का शब्द गुरु की बाणी की विचार बाणी का वाक है ना जिथे सतगुरु ने आख्या कहिंदे हिरदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल हिरदे विच चरण वसाउणे ने पर उह चरण कहड़े ने हिरदय चरण शब्द सतगुर को गुरु का शब्द ही गुरु के चरण होया करते ने गुरु जी ने आख्या नानक बांधियो पाल हे दुनिया के लोगो इस गल नूं अपने पल्ले बन लो इस गल नूं अपने पल्ले बन लो एवें कितें गुरु के चरण लकड़ दे पावे ना समझी जायो एवें कितें लकड़ दे पावे बंदा घुटी जावे सोची जावे भी इह शायद गुरु के चरण होने ने गुरु के चरण गुरु का शब्द हुंदा है गुरु का शब्द हुण मालक जी ने जिहड़ी विचार दित्ती ना उस विचार नूं समझण दी लोड़ है मैं बेनती कर रहा सी भी जिन्हां ने
खंडे की पौल ले ली। कई बार ना ऐसा जो प्रचार किया जाता है भी 10,000 साल तक वो बंदा नरकों के ही नहीं पैंदा जिहड़ा कि एक बार खंडे की पौल ले लवे। हुण होया कि भी कई जिन्होंने खंडे की पौल ली उन्होंने सोचा भी अमृत छक ही लिया होना, खंडे की पौल तो लै ही ली, 10,000 साल तक आप नरकों के जाना नहीं तो कर लो जो पुठे काम करने की फर्क पैंदा। भाई साहब ने जिक्र कर रहे थे ना भी कई बंद एक्सक्यूज मिल जाते हैं इसे करके भी फलाना बंदा भी तो शराब पींदा। उन्होंने मन के गल कि ने पाई साध बाबिया ने पाई भी तुम एक बार खंड की पौल लै लो तुम 10,000 साल तक नरकों च नहीं पैना, वह कहते भी कर लो पुठे काम। फिर बहुते लोग ऐसे ही कई बार स्टेजा उत्तों ढोलकियां चिमटे छैने खड़का के इमोशनल जहा कर दिता जाता संगतों ने भावुक जहा कर देंगे ने बाबे जिहड़े हुंदे ने भावुक करके खंडे की पौल दे छका दिंदे ने। पर तुसीं वेखो जरा झाती मार के इसे पंजाब की धरती के उत्ते जिन्हां ने खंडे की पौल लै ली जिन्हां ने चौड़े चौड़े गात्रे पाए हुए ना वो मड़िया के उत्ते मत्थे टेकदे तुहानूं नजर आ जाणगे। गात्रा उत्तों दी पाया पर मड़िया के उत्ते मत्थे भी टेक रहे ने, गात्रा उत्तों दी पाया है किसे साध बाबे दे पैरां च वड़ के भी बैठे हुए उहदा पैर धो धो के ते उहदा पानी पीता जा रहा। यह सिस्टम क्यों है? जे ते हे भलिया तू खंडे की पौल लई चाहिए तेनों यह भी तू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के नाल जुड़दा, पर साडे लोग दूजे पासे नूं तुर पए उहदे पिछे एक कारण सीगा क्योंकि इमोशनल करके खंडे की पौल ते छका दित्ती गई, दो साखियां सुनाईयां, भावुक जिहा हो गया बंदा। हुण खंडे की पौल लै लई उस तों बाद की होया? हुण जीवन च बाणी का ज्ञान नहीं, बाणी का ज्ञान नहीं है, पता नहीं भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखिया की है। कई सज्जन तुहानू संसार च ऐसे मिल जाणगे जिन्हां नू खंडे की पौल लए नू 30-30 साल हो गए, किसे नू 40 साल हो गए, किसे नू 20 साल हो गए, पर जे उन्हां नू पुछ लिया जावे ना भी भाई साहब जी जपजी साहब की पहली पौड़ी है सोचै सोच ना हो गई जे सोची लख वार, इस पंक्ति दे अर्थ ही दस दिओ ते बहुते लोग ये अर्थ दसदे ने कि सोचना नहीं चाहीदा, सोचण दे नाल कुछ नहीं हुंदा, सोचै सोचना हो गई जे सोची लखवार, लो जी आपे ही अर्थ कर दिता भी सोचना नहीं चाहिए। तो मैं उन्होंने एक सवाल करता हूं भी जो सोचना नहीं चाहिए तो फिर तो बंदे का जीवन चलना नहीं। तुसी जो अपने घरों की इतने आए हो सोचा सी ना भी अज गुरुद्वारा साहब जाना ताइयो पहुंचे हो, जो सोचते ना तो घर ही बैठे होंगे। हर एक काम बंदा सोच के करता, हुण तुसी सोचोगे जो समागम की समाप्ति होगी सोचोगे भी हुण प्रशादा छकीए ताइयो जाके प्रशादा छकोगे, फिर सोचोगे भी हुण घर नूं चलीए ताइयो घर जाओगे। जे बंदा ना सोचे तो गल बननी नहीं, गल तो सारी सोचण करके ही है। उस पंक्ति दे विच सोचण दी गल नहीं सी हो रही, उस पंक्ति दे विच ते गल ए हो रही सी भी जे कोई बंदा सोचे भी पानी दे विच नहा के मैं अपने तन नूं पवित्र कर लवांगा ते पानी विच नहातियां शरीर ते साफ हो जांदा है पर मन पवित्र नहीं होना। गल कुछ होर सी, आपां सारयां नूं अर्थ पता ने, गल कुछ होर सी पर साडे लोग दूजे पासे नूं तुर पए। इहदे पिछे कारण इक्को सी क्योंकि असीं बाणी नूं आप विचारिया नहीं, ते जदों बाणी नूं आप नहीं विचारिया ते असीं अमृत नूं इक हउआ बना के पेश कीता। भाई साहब जी जिक्र कर रहे सी ना हुणे भी साडे समाज दा इह हाल बन गया, असीं खंडे दी पौल नूं इक ऐसा हउआ बना दिता कि पता नहीं भी खंडे दी पौल छकनी किहड़ा हिमालिया पर्वत है भी उहदे उत्ते चढ़ना ही कितें औखा होया पिया। भी कई बार सानूं इदां लगदा भी खंडे दी पौल लैणी ना जिवें इदां है भी बंदूक सामने लगी हुई है तो गोली चलणी वाली तो बंदा उहदे अगे खलोता होया, भी लोकी डरदे ने थर थर कंबदे ने लोग खंडे दी पौल दे नाम तों। असीं बच्चिआं दी क्लासां लाउंदे दिल्ली दे विच तो बच्चों कई बार सवाल पूछी देने भी पुत खंडे की पौल ली है, या किसी बच्ची सवाल पूछी भी खंडे की पौल ली है तो अगे उन्होंने एको जवाब हों वीर जी असी खंडे की पौल नहीं लैनी। मैं क्या जो छोटे हो तो केंद्र हो वे हो कि लोग कहते नहीं जी कभी भी नहीं लैनी। मैं क्या क्यों नहीं लैनी? कारण बच्चों की क्लास लाई तो उन्होंने को जो कारण पूछे ना मैं हैरान रह गया कि गल कुछ भी नहीं सी, पर उन्हां बच्चियां दे अंदर उन्हां नौजवानां दे अंदर खंडे दी पौल नूं लैके ऐसे डर बिठा दिते गए साडे वड्डे वड्डे धर्म प्रचारकां दे वल्लों। गलती साडे मेरे वर्गे लोकां दी है जी जिन्हां ने स्टेजां उत्ते बह के इन्ना औखा करके पेश कीता ना बाणी नूं भी लोकां नूं डरा के रख दिता, भावें उह खंडे दी पौल दा मसला होवे भावें गुरबाणी नूं आप पढ़न दा ते आप विचारन दा मसला होवे, इन्हां दोनों गल्लां दे उत्ते ही साडे वर्गे प्रचारकों ने आम संगतों को डराया है, हमेशा ही डराया है ते अज तक भी डराउंदे ने, अज तक भी डराउंदे ने। बाणी का वाक है गुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या भै काहू को देत नै नै भै मन तान,
किसी नूं डर देना भी नहीं है ते किसी दा डर मनना भी नहीं है, पर बाणी दे नाम दे उत्ते भी डराया गया। एग्जाम्पल दवां किवें, कईआं ने आखिया बाणी ना पढ़िओ, बाणी ना पढ़िओ, जे तुसीं बाणी पढ़ लई ते तुहाडे कोलों कोई गलती हो गई ना तुहानूं सज़ा मिलेगी, तुहानूं सज़ा मिलेगी। ते बकायदा कुछ साखियां तैयार कीतियां गईयां ते उह धक्क दित्तियां गईयां साडे अंदर, साडे दिमाग दे अंदर पा दित्तियां गईयां उह साखियां। उह जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा इक समां है ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे वेले इक सिख जिहड़ा है ना उह बाणी पढ़दा पिया सीगा ते उहने पंगती पढ़ी, करते कीमत करता जाणा कह जाणे गुरसूरा। उहने पंगती पढ़ दित्ती, हैगा सीगा कह जाणे गुरसूरा, उहने कह दित्ता उत्थे के जाणे गुरसूरा, भी कह दी जगह ते के पढ़ दित्ता। ते जी दूजा सिख लागे खड़ा सुणदा पिया सीगा, उहने सुण लिया भी इहने कह दी जगह ते के आखिया। उहने जाके गुरु गोबिंद सिंह जी नूं शिकायत लाई ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने आखिया भी जाओ जाके उहदे थप्पड़ मार के आओ। ते कहिंदे जी उह सिख गिया ते जाके चपेड़ ला के आया ते बाबे उस तों बाद कह दिंदे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु भी साखी मोगी। हुण तों सिख्या की मिली दसो, तुसीं इही कहाणी अपने बच्चे नूं सुनाओ भी पुत जेकर बाणी पढ़दिआं लगा मात्रा की गलती हो जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जी चपेड़ा मरवा देंदे ने। यह कहानी तुसीं अपने बच्चे नूं सुनाई, उस तों बाद उहदे हत्थ विच जपजी साहब का गुटका दे दिओ, उहनूं आखो पुत पाठ कर जपजी साहब का, आ रल मिल के पाठ करिए। तुहाडा बच्चा पता की आखेगा, उह आखेगा मम्मी हुणे तां साखी सुनाई तुसीं भी जे गलती हो जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जी चपेड़ा मारदे ने, अपना गुटका अपने कोल रखो, मैं नहीं अज तों बाद गुटके दे लागे आना, मैं नहीं गुरु ग्रंथ साहब लागे जांदा, जे मेरे को गलती होगी तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने मेरे भी चपेड़ा मरवा देनी आ, मैं बाणी पढ़नी नहीं। बच्चे बाणी तों दूर भज गए इन्हां गल्लां करके। बेशक कई बार आ गल्लां चुभ जांदियां ने कईआं नूं, कई कहिंदे बड़ा खरमा बोलदे, पर इह सच्चाई है जी। जिहड़े अपने आप नूं वड्डे वड्डे धार्मिक आगू कहण वाले उन्हां ने सगों बच्चियां नूं समझाउण दी बजाए, उन्हां नूं इक सौखा राह दसण दी बजाए बाणी नालों भी तोड़िया ते खंडे दी पौल दे नालों भी तोड़िया। बाणी दे प्रति ऐसे शंके पाए गए, कईआं ने आखिया जी गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया बहना ते उत्थे जिन्हें पजामा पाया वह नहीं बह सकता, पजामा ला के बैठे जा सकता है। भी हुण गुरुद्वारिआं विच लोकां दे कपड़े लवाउण दा भी काम कई लोग साडे करदे ने, भी ये साडे समाज दे विच हाल चल रहा, ये साडे नाल वापरियां गल्लां ने। मैं तां कह रहा भी असीं इन्ना औखा बना के ना खंडे दी पौल नूं पेश कीता, असीं इन्ना औखा बना दिता भी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पढ़ना कितें बड़ी वड्डी गल। बाणी नूं पढ़ांगे ते तां जीवन सवरेगा। इक बेनती करां, जदों बच्चा स्कूल दे विच जांदा है ना पहले दिन ही उन्हें पूरी ABC नहीं आती, पहले दिन ही एक तो लैके 100 तक उन्हें गिणती नहीं आ जाती, पहले दिन ही उन्हें ऊड़ा एड़ा पूरा नहीं आ जाता, वो पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है। गलतियां भी होंदियां ने, मिस्टेक भी करता है, बार बार करता है, पर एक दिन ऐसा आता है जिदन उन्हें सोहने ढंग नाल लिखना भी आ जाता, पढ़ना भी आ जाता, पूरा ABC भी चेते हो गई, एक तो 10 तक गिणती भी चेते हो गई, 100 तक फिर भावें लख करोड़ तक उनको गिणती उन्हें आ गई, उन्हें मैथ्स भी आ गया, साइंस भी आ गई, सारे सब्जेक्ट उन्हें आ जाते हैं, पर पहले दिन तो नहीं ना एकदम आ गए। जिदन आप गुरबाणी नूं पढ़ना ते विचारना शुरू करना है ना, गलतियां ते जरूर होणगियां, पर इहदा मतलब ये नहीं कि गुरु साहब कोई डंड दिंदे ने या चपेड़ा मारदे ने। बाणी दा वाक पढ़ लो, पातशाह ने आखिया कहिंदे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी ओ कदे ना बोलै कौरा। मेरा गुरु ते कौड़ा भी नहीं बोलता, चपेड़ा मारन दी ते गल ही बड़ी दूर दी है। सतगुर सभना दा भला मनाएंदा, जिसका बुरा क्यों होए, सतगुरु के सारे का भला ही करते, गुरु किसी का बुरा नहीं करता, भला करने वाला है, पर साढ़े अंदर डर पा दिते गए। दूजी बेनती, खंडे की पौल नूं लैके डरावे। मैं बेनती कर रहा सी ना बच्चों नूं सवाल किया, दो गल्लां जी अगे बच्चों ने आखियां तुहाडे नाल मैं शेयर कर दिया कि सीगियां, ये आप जी अपने बच्चों नूं जरूर दस्सियो, क्योंकि ऐसा वेख्या जांदा ना गुरुद्वारिआं विच बहुती वार ऐसियां कथावां होईआं जिहड़ियां बच्चों के उत्तों ही लंघ गईआं। आम करके पता अज तक की हुंदा आ गुरुद्वारिआं विच, जां ते साडे मरण तों बाद दीआं गल्लां कीतीआं गईआं ने जां साडे जम्मण तों पहलां दीआं गल्लां कीतीआं गईआं। कुछ कथा इदां भी हुंदी कई वारी भी जदों तू मर जाएगा तेरे नाल इदां हो जाएगा, जो तू असल उत्ते जाएगा स्वर्गां च इदां हो जाएगा, नरकां च आ हुंदा है। उह भरावो थले दी गल वी कर लो, इस धरती की गल भी कर लो, बहुत ही वारी गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों की विचार नहीं हुई भी गुरु जी की कह रहे हैं, गुरु जी की समझाना चाह रहे हैं, गुरु जी ने साडे जीवन में किवें सवारना है, यह गल नहीं की गई। यह गल की गई
भी मरण तो बाद की होगा, जमण तो पहला की सीगा, उत्ते की है, नरक है, स्वर्ग है, सचखंड कोई उत्ते बनया, उत्ते जाना है, बस आ गल्लां होईयां ने जिहड़ियां गल्लां हैगियां बाणी तो बाहर दियां ने। बाणी दे बड़े बरीक कंसैप्ट सी, उहनां नूं समझिया नहीं, साडे लोक किसे होर पासे नूं तुर गए। इसे करके घट गिणती दे विच नौजवान गुरद्वारियां च वेखण नूं मिलदे ने, घट गिणती दे विच ज्यादा बजुर्ग ही वेखण नूं मिलदे। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰਮੱਛ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੀਜੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲ ਗਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਆਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਦੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਘਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੜਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਛਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫਿਰ ਅੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਘਾ ਲੱਥ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਘਾ ਲੱਥ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਸ ਦਾਨ। ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਦਾਨ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕੰਘਾ ਦਾਨ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾਨ, ਕੜਾ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਾਨ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਜਨਮ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਉਦਣ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਆ ਕੇ, ਕੰਘਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ,
कशहरे का कपड़ा किसी दुकान तो खरीदया, इस तरह कड़ा जिहड़ा है किसी दुकान तो खरीदया। जिदन जन्म होया सी उदन केवल मेरे नाल केस आए, बाकी चार ककार मैं इथों आके ले। हुण गौर करो तुसी, वेखो आपां कहिंदे ना अमृत टुट जांदा जे मान लो बाई चांस ककार लग जावे। मैं फिर बेनती करदे आ, कई वारी आम मेरे ते इल्जाम लग जांदा जी ये कहिंदा वी ककार ला के पासे रख दिओ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ककार ला के पासे रखणे, गल नूं समझ लिओ। कई वारी असीं गल दा गल कुछ होर हुंदी है, बना कुछ होर दिंदे आ उहदा हिसाब दा। मैं भरम दी गल कर रहा वी जिहड़ा साडे अंदर भरम पिया होया, मैं उहदे वल ध्यान दिवाउणा चाह रहा वां। तुसी कदी गौर करिओ, हुण चार ककार असीं इथों आ के ले, एक ककार साढ़े नाल आया केस। तुसी इतिहास में पढ़िया, जिस दिन भाई तारू सिंह जी नूं पकड़िया गया, दुश्मन ने जदों सजा दित्ती ते की आख्या सीगा, सब तो पहला उन्हें आख्या जी इन्हां दे केस कतल करो। यही गल आखी सी भाई तारू सिंह जी ने, केस कतल करो। ते नाले दूजी बेनती, जदों भी कोई भी दुश्मन अपने दुश्मन नूं पकड़दा, जिहड़ा भी कोई हुक्मरान होवे उस समय दा, जदों अपने दुश्मन नूं पकड़ेगा ना, मान लो अज ही किसे व्यक्ति नूं जेल दे विच भेजिया जावे, अज कोई व्यक्ति जेल विच जावे, की कीता जावेगा? जे उहने खंडे दी पौल लई है ना, सब तो पहला उहदी कृपान लाती जाएगी, क्योंकि अंदर यह ऑर्डर नहीं है वी तूं कृपान पा के अंदर घूम सकदा। सब तो पहला उहदी कृपान लाती जाएगी। ते जिस दिन भाई तारू सिंह जी नूं पकड़िया होवेगा जकरिया खान होणा ने, तो की किया होगा? कृपान कोई पई रहन दी होगी? नहीं, कृपान लाई उन्होंने बगैर। तुसी भावें भाई तारू सिंह उन्हां दी एनीमेशन मूवी वेख लियो, भाई तारू सिंह जी दी एनीमेशन मूवी बनी है, भाई सुबेग सिंह, भाई शाहबाज सिंह भी बनी है, उस च जो शहीद करन लगदे ना, तुसी वेखो उन्हां दे तन दे उत्ते उन्होंने ना गात्रा विखाया ना कृपान विखाई। क्यों? क्योंकि इदां वापरदा है, जदों भी दुश्मन पकड़दा है ना, सब तो पहला कृपान ला दिंदा। क्यों? क्योंकि वह हथियार नहीं अपने को रख देगा, उन्हें ला के पासे कर देना। तो की कही है कि भाई तारू सिंह जी की कृपान लत गई थी, अमृत टुट गया सी उन्हां दा, दुश्मन ने लाई है। हुण ये कोई अमृत टुटने वाली गल नहीं ना, क्योंकि अंदरों की दृढ़ ने। हाँ, जे कोई बंदा आपे ला के पासे रख दे तो माड़ी गल। हुण किसी की बाई चांस मान लो लत गई, उन्हें आख्या चलो पौनी नहीं, हुण किल्ली उत्ते टंग दिंदे आ, गलती है जी, बड़ी वड्डी गलती है। पर जे बाई चांस कितें लत गई है तो भलिया दुबारा पा लै, एवें वहम दे विच ना पै, एवें इना सोच के बार बार खंडे की पौल लैनी पएगी, इस करके मैं एक बारी भी पहली बारी भी खंडे की पौल लैनी नहीं। इन्हां वहमां दे विच पैण की लोड़ नहीं। इह साडे अंदर वहम पा दिते गए ते गुमराह कर दिता गया साडे नौजवानों नूं, ओह आउंदे नहीं इसे करके। जिन्हां ने वैसे स्टेजां उत्ते बह के ये गल्लां कीतियां ना इंटरनेट उत्ते, अज वी वीडियो मिल जांदियां ने। उह बाबे कहिंदे सी वी सानूं ककार लाउणे पैणे जदों असीं बाहरली कंट्री दे विच जाणा है। अज वी तुसीं मान लो किसे बाहरली कंट्री जाणा, तुसीं जाणदे हो जिहड़े जहाजां विच सफर करदे ने अमेरिका कैनेडा जाणा, कि उह किरपान पा के जाण दिंदे ने? हैंडबैग दे विच वी नहीं जाण दिंदे। जिहड़े बाबे कहिंदे सी ना वी असीं बाहर नहीं जावांगे क्योंकि सानू कृपान लाउणी पैंदी है, अज जदों उही बाबे बाहर जांदे ने ना ते कृपाना ला के जा रहे ने, की कहिए हुण? बाबा जी दा अमृत टुट गया। पर कई कोई समां हुंदा सी बाबा जी आप ही कहिंदे सी, हुण 20-22 घंटे दी फ्लाइट है, उत्थे ते तुहानू हैंडबैग दे विच नेल कटर वी नहीं लै के जाण दिंदे ना, उत्थे डीओ जाणा, उह ते कहिंदे वी तुसीं बाज जिहड़ी सिलाई हुंदी है उह वी नहीं लै के जा सकदे नाल, उन्हां ते कृपान लवा लेणी उत्थे। ते हुण जे बंदा ये गल आखे उन्हां बाबिआं दे पिछे ला के भी अमृत टुट जांदा, ते बाबे आप भी घूमी जांदे ने, ते फिर ते बाबे नूं कहना चाहीदा भी तूं बाहर जाणा बंद कर भरावा। हुण जदों किसे ने बाहर जाणा है, बाहर जाण दे चाह दे विच, उदों कहिंदा मैं बैग दे विच ला के कृपान पा लवांगा, उदों मैं जाण दिंदा समान दे नाल ही कृपान नूं। पर जदों वैसे स्टेजां उत्ते बहि के बोलणा है, उदों कहिणा जी अमृत टुट गया, जे हो गया वो हो गया, मैं नौजवानां नूं डरा दित्ता, ये साढ़े अंदर वहम पा दिता, यह वहम पाए गए जे बाई चांस लत जाती है दोबारा पा लो उन्हू, एवं वहम करने की लड़ नहीं है। इन्होंने वहमों के बाहर निकलिए, तो जदों उन्होंने बच्चों के मैं ये गल शेयर की ना, तुम भावें मनो भावें ना मनो, वह खंडे की पौल लैण तैयार हो गए, अंदरों वहम निकल गया ना। इसे तरह के अनेक तरह के वहम पा दिते गए साढ़े अंदर भी गल कोई सिर पैर वाली गल नहीं, बस एवें ही भी कंघा वाहद्या वाहद्या थले डिग पिया, दोबारा छक लो। कई कहणगे जी कशहरे के दोवें पहुंचे, भी वह दोवें नहीं थले लथने चाहिए, एक ही लथना चाहिए। बेनती करा
भावे पछा देंगे जिन्हों चीजा वापरिया। एक माता जी सके उन्होंने इदा ही करना चाहे भी कशहरे का एक पहुंचा पिया रहे तो दूजा मैं उधरों कशहरा चेंज कर दे मेरे पालवा बाथरूम के इसे करके डिग पे सिर जरा फ्लश के टकरा गया तो सट लगी उन्होंने कि गुरु ने ऐसा धर्म दिता सन कि पासे सू तोरिया जा रहा गुरु ने ऐसी विचार नहीं दी पर साडे धर्म नूं इन्ना औखा कर दिता गया लोकी थर थर कंबदे स्टेजां ते बह के पता की आखिया गया सिखी खंडियो तिखी सिखी खंडियो तिखी। नौजवान ने जे आखिया इन्नी तिखी है ते किते चोबी ना जावे मैं पासे हो जांदा मैं ते उड़े नहीं इस पासे नूं भी इन्नी तिखी किते चोबी ना जावे मेरे वे तिखी चीज चोबदी है ना हुण सिखी बड़ी औखी है औखी है मैं सवाल पूछ रहा तुम सिखी बड़ी औखी है नहीं सिखी तो है ही बड़ी सौखी। गुरु साहब ने किया क्या कहने भलिया खंडे की पौल लैला बाणी नू पढ़ अपने जीवन नू गुरु की बाणी के मुताबिक जीना शुरू कर दे बस गल बन गई और चाहिए की है होर गुरु साहब ने थोड़ा ना आख्या भी तू किसी पर्वत उत्ते चढ़ जाए ता ही गल बननी है या जंगल के जाके समाधियां ला दे ता गल बननी है या पुठा लमक जा इतने तो दुनिया के लोगों ने जोड़ा धर्म दसिया बड़ा औखा से कोई कहता दरख्त ना पुठे लमक जाओ कोई कहता सी बन्ने बन्ने अग बाल के बेच बह जाओ कोई कहता सर्दियों के ठंडे पानी में खलो ता गल बनूगी। गुरु जी ने आखिया अपने घर बह चुप करके कितने जाने की लोड़ नहीं है अपने घर बह इतें ही गल बन जूगी अपने घर बह के गुरु की बाणी नाल सान पाला भरिया तेन किसी स्वर्ग की लोड़ नहीं तेरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। जिस घर दे विच गुरु की बाणी की विचार है जिथे बच्चे भी बाणी पढ़ते हैं बाणी नूं विचारदे ने बाणी के मुताबिक सारे परिवार के मैंबर तुरदे ने ना उस परिवार तो वड्डा स्वर्ग दुनिया उत्ते होर कोई नहीं और कोई स्वर्ग नहीं है। एवें लोकी स्वर्गों पिछे भजे फिरते हैं गुरु साहब ने आख्या कहिंदे इत्थे ही है स्वर्ग। स्वर्ग बनाउणा भी बंदे दे हत्थ विच है ते नरक बनाउणा भी बंदे दे हत्थ विच है बंदे ने अपने जीवन नूं किवें दा बनाउणा है ओह बंदे उत्ते है। गुरु साहब ने सिख्या दे दित्ती है पर उस सिख्या नूं जीवन च कमाउणा है या नहीं कमाउणा इह तां साडे उत्ते है ना। हुण कोई बंदा इह आखी जावे ओहदी गुरु ने तां साडे उत्ते किरपा ही नहीं कीती गुरु दी तां साडे उत्ते किरपा ही नहीं होई लै हुण किरपा तां लिफाफे च पा के पैक करके देनी तू गुरु की गल मान लै किरपा होजूगी गुरु की गल मान लै किरपा होजूगी गल तो इत्थे है ना पढ़ लो बाणी दा वाक मन बेचै सतगुर कै पास। जिन्होंने अपना मन गुरु नूं वेच दिता मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास। जिन्हें अपना मन गुरु नूं दे दिता उहदे कारज रास हो गए। हुण कोई बंदा हाथ जोड़ के ते अरदासां करी जावे गुरु जी कृपा करो गुरु जी कृपा करो गुरु जी कृपा करो ते जदों गुरुद्वारे हुण बाहर निकले ते सारे पुठे काम करे ते फिर दसो कृपा किदां होगी फिर ते नहीं ना होनी। घर दे विच इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी है ना उह आ रही हुंदी है इलैक्ट्रिसिटी ते आ ही रही है पर जे सुच मान लो बल्ब का सुच बंद हो की करना पवेगा जी सुच नूं ऑन करना पैना इलैक्ट्रिसिटी के पिछों आ ही रही है। जे सुच ऑन हो गया तो बल्ब जग पवेगा ट्यूब जग पवेगी रब की कृपा पता की है उस इलैक्ट्रिसिटी वांगू है जिहड़ी पिछों दी पूरी है आ रही है। एक सुच ऑन करना पैना सुच पता किहड़ा ऑन करना है मन विच है सतगुर कै पास इहनूं कहिंदे सुच ऑन करना। जिदन ये वाला सोच बंदे ने ऑन कर दिता ना अंदर चंगे गुणा की बत्ती जग पवेगी अंदर चंगे गुणा की बत्ती जग पवेगी। इन आख्या सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तेह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। कहिंदे अंदर भलिया तेरे अंदर बत्ती जग पवेगी तेरे अंदर दीवा जग जाएगा चंगे गुणा का शब्द का दीवा जग जाएगा जिदन सतगुरु की बाणी की विचार जीवन के अंदर वस गए। एक बेनती इतने मैं करा तुसी कदी गौर करियो आपां जदों खालसे का दिहाड़ा मनाउंदे आ ना ते साडे ना कुछ लफज ने जिहड़े आम करके प्रचलित हो गए ने ते हर एक थावां दे उत्ते उह लफज वरते जांदे ने ते मैं हर एक स्टेज उत्ते इह बेनती करदा वां कि सानू अपने लफज सुधारने चाहीदे ने थोड़े जिहे। खालसे का प्रगट दिहाड़ा है पर साडे लफज की ने असीं लफज वरत रहे हां खालसे का जन्म दिहाड़ा खालसे का जन्म दिहाड़ा या दूसरा लफज असीं वरतदे हां खालसे का साजना दिवस ये दो लफज ने जन्म दिहाड़ा या साजना दिवस।
पर तुसी कदी बाणी दे आधार ते जी इन्हां नूं चैक करो जां इतिहास दे आधार दे उत्ते इन्हां लफ्ज़ां नूं चैक करो ते इह दोवें लफ्ज़ गलत हो जांदे ने। ना जन्म लफ्ज़ वरत्या जा सकदा है, ना साजना लफ्ज़ वरत्या जा सकदा। बेनती करां किवें, सब तो पहला तो खालसा कौन है सानू यह समझना पवेगा। खालसा कौन है? जिन्हें धार्मिक पहरावा पाया, वड्डी सारी पग बन लैंदा, जिहड़ा गल च माला पा लैंदा, जिहदे को तीन चार कृपाना होण, जिन्हें भंग पीती होवे, क्योंकि आम करके अज जिहड़े भंग पीने ने उन्हां नूं खालसा आखिया जा रहा जी। ये खालसा फौज है, गुरु की फौज है। भंग पीने कभी गुरु की फौज नहीं होंदी। गुरु ने नशियां तों दूर कीता सी, इह तां नशेड़ी बंदियां नूं असीं गुरु का खालसा कही जांदे। भेख का नाम खालसा नहीं। मता कि समझा जाए भी किसी बंद ने बारों की कोई लिबास पा लिया, धार्मिक पहरावा पा लिया, तो असं कह दिता भी यह खालसा है। नहीं, खालसा लफज न जो समझना है ना, तो उस तो पहला सानू सिख लफज न समझना पवेगा कि सिख कौन हों। सिख कौन, डेफिनेशन की है, परिभाषा की है सिख की? बाणी का वाक है जिथे गुरु साहब ने आख्या, जो सिद्धा के नाल गोष्ठ हुई ना धन गुरु नानक साहब जी की, तो बड़ा प्रचलित सवाल जरा आप आम पंक्तियां सुनिया ने, गुरु नानक साहब को सवाल किया गया सिद्धा के वालों। 84 सिद्ध एक पासे ने सवाल करते हैं, सवाल की है, कवण मूल कवण मत वेला, तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला। वह गुरु साहब को एक लफ्ज वरतते बाला कह के संबोधन करते, बाला कह के, बाला का मतलब हुंदा बच्चा, क्योंकि सिद्धा की उम्र जी ज्यादा सी, जोगियों की उम्र ज्यादा सी, तो उन्होंने सामने गुरु नानक साहब जिहड़े सी एक बच्चे वांग सीगे, ते वो बाला लफ्ज वरतदे सी बच्चा। ते पुछदे ने कहिंदे हे पुत्त, तेरी जिन्हों देखो गुरु साहब की विद्या तो बड़े प्रभावित हुए। एक बेनती इत्थे मैं करनी चाहवांगा, गुरु साहब दे कोलों जिहड़ा भी सिद्धा ने सवाल पुछिया ना, जिहड़ा भी सवाल पुछिया, गुरु साहब ने हर एक सवाल का जवाब दिता, तो बड़े प्रभावित होए गुरु साहब तो। प्रभावित जब होए तो उन्होंने एक सवाल किया, वह सवाल की सी भी तेरा गुरु कौन है जिदा तू सिख है। गुरु साहब ने सवाल किया भी तुहाडा गुरु कौन है जिदा तुसीं सिख हो, तो गुरु साहब ने जवाब की दिता सी जी, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उन्होंने आख्या जी मेरा गुरु कौन है, मेरा गुरु है शब्द गुरु, मैं शब्द को अपना गुरु मानता, तो मेरी सुरत जिहड़ी है ना यह चेला बनी हुई है। आ गौर करियो जी, जिहड़ा मैं नुक्ता साझा करना, मेरी सुरत जिहड़ी है वह चेला बनी हुई है, तो मेरा गुरु है शब्द गुरु। हुण इत्थे जिहड़ा नुक्ता समझण वाला है, इत्थे यह नहीं आख्या कि मेरा शरीर गुरु है, शरीर गुरु नहीं आख्या, इत्थे आख्या कहिंदे मेरी सुरत जिहड़ी है ना वह चेला बन गई है। हुण इसे तरह जो सुरत चेला बनी, तो सुरत चेला बनेगी किवें, जो सुरत दे विच शब्द गुरु की विचार वसेगी ताइयो सुरत चेला बनेगी। वैसे सुरत ने चेला नहीं बनना, इत्थे ते दुनिया के लोगों की सुरत चेला की भी बनी हुई है, शब्द गुरु की चेला नहीं बनी, किसी साध बाबे की, किसी मड़ी की, किसी जोशी, किसी पांधे की, इत्थे सुरत इन्हां दी चेला बनी हुई है अजे तक। पर जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या जीवन में वसाउंदा है ना, वह अपनी सुरत नूं शब्द गुरु का चेला बना लैंदा। इसे तरह जिहड़ा खालसा लफज है ना, खालसा किसी पहरावे का नाम नहीं है। खालसा किनू आख्या जाता? बाबा कबीर जी नूं पुछो, उन्होंने आख्या कहो कबीर जन भए खालसे, प्रेम भगत जिह जानी। बाबा कबीर जी ने आख्या कहिंदे खालसा कौन है, जिन्होंने अपने अंदर अकाल पुरख के प्रति प्रेमा भगती पैदा कर ली ना। भगती की है? गिण गुण किते भगत ना हुए। जदों तक जीवन के चंगे गुण नहीं ना आ जाते, कहते भगती हो ही नहीं सकती। जिन्होंने अपने जीवन चंगे गुण पैदा किए, जिन्होंने अकाल पुरख के नाल प्रेम पैदा किया, मालिक जी ने आख्या कहते असल दे विच खालसा वह बनता है, उसनों आख्या जाता खालसा। सिख भी वह है जिहड़ा गुरु की बाणी नूं समझ के जीवन जिउंदा है, खालसा भी वह है जिहड़ा गुरु की बाणी नूं समझ के जीवन जिउंदा है। हुण जिहदे जीवन में चंगे गुण ने वह है खालसा। इहदा मतलब की होया? गुणा का नाम है खालसा। जिहड़ा उन्हां गुणा नूं जीवन च वसाउंदा वह आप भी खालसा हो गया। खालसा ही गुणा नूं जिन्हां ने अपने जीवन च वसाया वह आप भी खालसा हो गया। हुण आओ उन्हां लफ्ज़ां दे वल। जदों आपां कहिंदे आ खालसे का जन्म दिहाड़ा, बाणी का वाक है कहिंदे जिहड़ा जमदा है ना वह मर भी जांदा है,
जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा है। जेड़ा जमदा है वह मर भी जाता। तो साढ़े कई लोग धार्मिक प्रचारक भी कई लोग यही गल आखी जाते कि दुनिया की किसी भी कौम का कोई जन्म दिहाड़ा नहीं है, भी दुनिया की कौम किसी कौम नहीं पता भी वह किदन पैदा हुई, सानू पता असं किदन पैदा हुए हैं। ये थोथियां गल्लां ने सारियां, क्योंकि बाणी कह रही है जिहदा जन्म है वह मरदा भी है। जे असी जन्म दिहाड़ा लफ्ज वरतने, जे असी कह रहे भी असी जम्मे हाँ तो एक ना एक दिन मरांगे भी जरूर, फिर यह गुरु साहब की बाणी ने कह दिता जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। तो की कहते हो कि खालसा जोड़ा है वह मर भी जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खालसा कोई बंदा थोड़ी ना है। खालसा ही गुणा की गल हो रही है, जिदे अंदर प्रेमा भगती पैदा होंगी है वह खालसा होंदा है। तो ये प्रेम भगती ये चंगे गुण ये सदीव रहने वाले ने। बाणी जी गुणा का खजाना ही है ना, ताइयों तो मालिक ने कहता सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। तो साडा गुरु कौन है? कोई शरीरक गुरु नहीं, साडा गुरु कौन है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी। तो चंगे गुणा की जी विचार है ना, जे अकाल पुरख सदीव है तो वो वालों आए ये चंगे गुण, ये बाणी की विचार ये भी सदीव रहने वाली है। ये बाणी की विचार कभी भगत रविदास जी के अंदर पैदा हुई, कभी बाबा कबीर जी के अंदर, कभी भगत रामानंद जी के अंदर, कभी गुरु नानक साहब के अंदर, वखो वखरियां थावां दे उत्ते नहीं है सारे, पर जिन्हां ने अकाल पुरख नाल सांझ पा ली उन्हां दे अंदर यह विचार पैदा हो गई। यह विचार कभी दुनिया तो खत्म नहीं हुंदी। जिन्हां दे अंदर यह विचार वसदी है वह खालसे आखे जांदे ने। उन्होंने आखिया जाता कहो कबीर जन भय खालसे प्रेम भगत दे जानी। इस करके मता यह लफ्ज वरतिया करिए कभी भी कि खालसे का जन्म दिहाड़ा, क्योंकि जिहड़ा जमदा है वह मर भी जाता। तो खालसा ही गुण कभी भी खत्म होने वाले नहीं। बंदियां दे शरीर संसार विचों चले जाते हैं पर खालसे वाले गुण ने जिहड़े वह सदा इस संसार में रहने वाले ने, वह कभी भी इतों जाने वाले ने। दूजा लफ्ज खालसे का साजना। असल इतिहासक डेट जिहड़ी है ना, जिदन गुरु पातशाह ने खालसे भी सिखां नूं खंडे की पौल छकाई, पंजां प्यारिआं नूं खंडे की पौल छकाई गई। इतिहासक डेट है 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन आप आखते हैं। हुण गौर करियो, आम करके शब्दावली बोली जाती है कि 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने खालसे की साजना की। इतिहास के मुताबिक जे वेख्या जाए, गुरबाणी के मुताबिक जे वेख्या जाए, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसे की साजना नहीं की। तुम आखोगे भी यह की कहता, पर सच्चाई है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसे की साजना नहीं की। सिरजक पता कौन हों, साजन वाला पता कौन है? वह है अकाल पुरख। साजन वाला अकाल पुरख है, सिरजक हमेशा अकाल पुरख होया करता है, क्योंकि वह खालसाई गुण किए ने वह अकाल पुरख को ही आ रहे हैं ना सारे गुण। तो जिस अकाल पुरख ने गुण पैदा किए वह गुण जो किसी एंटर करते हैं तो वह खालसा खवाया जाता। गुणा पैदा करने वाला अकाल पुरख है, यदा मतलब की है कि सिरजक कौन है? अकाल पुरख। खालसे की सिरजना कौन कर रहा? खालसे की सिरजना करने वाला है अकाल पुरख। तो जे असी कला गुरु गोबिंद सिंह का नाम लीए तो फिर कई बार कहानी पता की सुनाई जाती है। आख्या जाता जी जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दिल्ली की धरती उत्ते गए ना, दिल्ली की धरती के उत्ते गए तो उन्होंने शहादत होंगी है। तो भाई जैता जी जे बाद भाई जीवन सिंह बनते हैं, भाई जैता जी दिल्ली की धरती तो गुरु साहब का सीस जो आनंदपुर साहब लेके पहुँचते हैं तो उदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उत्थे मौजूद ने गोबिंद राय के रूप के। उन्होंने एक भाई जैता जी को सवाल किया कि भाई जैता जी जो मेरे पिता को शहीद किया जा रहा है कि उत्थे कोई सिख नहीं सी हैगा? तो वह कहानी सुनाई जाती अगे कि भाई जैता जी ने यह गल आखी, पातशाह होणगे ते बथेरे पर कोई नज़र नहीं सी आउंदा, पता नहीं सी लगता भी कौन सिख है ते कौन असिख है। यह गल आम आखी जाती है ना। तो फिर कहिंदे जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आख्या हुण मैं एक ऐसा खालसा साजांगा जिहड़ा लखां दे विच खड़ा नज़र आया करेगा। सुनिए ना जी आप सारे ने एक सवाल जो हूँ, जे इस गल ठीक मानते हो तो यह मतलब पता की निकलता? यदा मतलब यह निकलता कि गुरु नानक साहब तो लैके गुरु तेग बहादुर पातशाह तक ना सिख दस्तार बांधे होंगे सी, ना उन्होंने केस होंगे सी, ना दाड़ियां होंदिया सी, वह शायद मोने रेंदे होंगे तां उत्थे कोई नज़र नहीं आया। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आख्या कि मैं ऐसा खालसा साजांगा जिहड़ा लखां दे विच खड़ा नज़र आएगा। कि इस गल नाल सहमत हो कि गुरु नानक साहब तो लैके गुरु तेग बहादुर पातशाह तक सिख केस कतल करते होंगे सी?
कि इस गल नाल सहमत हो कि उन्हां दीआं दाड़ियां नहीं सी हुंदीआं ते ओह पग्गां नहीं सी बांधे हुंदे। सानूं मिसगाइड कीता जा रहा, सानूं गलत इतिहास सुनाया जा रहा। असीं की सोच के ये गल्लां सुना रहे हां? सिरजक अकाल पुरख है ते इस पंथ की आरंभता गुरु नानक साहब ने की है। भाई गुरदास जी की वार पढ़ लो, उन्होंने आख्या मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने निर्मल पंथ, पंथ का मतलब हुंदा रस्ता, निर्मल का मतलब हुंदा मैल तो रहित। जिन्हें रस्ते पहला इस दुनिया से नजर आ रहे थे उन्हां च मैल भर चुकी सी। किसी अंदर वहमा भरमा की मैल सी, किते जात पात की मैल सी, किते कर्मकांडा की मैल सी, किते विकारां की मैल सी, किते विपरवाद की मैल भर चुकी सी। धन गुरु नानक साहब ने आख्या कहिंदे हुण मैं एक ऐसा रस्ता चलावांगा जिहड़ा निर्मल होवेगा, जिहदे विच किसे तरह की कोई मैल नहीं होवेगी। चंगे गुण दे के एक निर्मल पंथ तैयार किया, सिखां नूं चंगे गुणा की दात दित्ती। गुरु नानक साहब ने आरंभता की, जिस नूं गुरु नानक साहब ने निर्मल पंथ आख्या उसे पंथ नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसा पंथ आख्या। शुरुआत सिरजक अकाल पुरख है, शुरुआत धन गुरु नानक साहब तो हुंदी है, संपूर्णता खालसे नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बख्शी है। संपूर्णता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बख्शी है। सानू लफ्ज पता की वरतना चाहिए? खालसे का प्रगट दिहाड़ा। कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खंडे की पौल छका के प्रगट कर दिता कि खालसा इदां दा हुंदा है। प्रगट तौर के उत्ते सारी दुनिया नूं दस दिता कि खालसा इदां दा हुंदा, उहदे कोल पंज ककार हुंदे ने, खालसे विच आ गुण हुंदे ने, आ खालसे दी रहता। जबकि शुरुआत ये गुरु नानक साहब तो हो चुकी है, पर एक लास्ट दे विच ये गल दस दित्ती गई भी खालसा इस नूं कहिंदे ने। पंज प्यारे साज के ये दस दिता गया। असीं उह इतिहास उदां दा सुनाता भी गुरु साहब ने आख्या भी मैं हुण खालसा साजांगा इदां जिहड़ा लखां 'च खड़ा नज़र आवेगा। ये ना दरअसल बड़ी वड्डी इहदे विच इक गल सीगी, मैं आखरी बेनती कह के तुहाडे कोल खिमा लै रहा, इहदे बड़ी वड्डी इक विचार सीगी। क्योंकि दुश्मन जिहड़ा है ना अपनियां चालां चलदा ही रहिंदा। ये गल पेश करन दी कोशिश की गई भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की विचारधारा वक्री सी ते गुरु नानक साहब की विचारधारा वक्री। एक ना पाड़ा पाया गया, आरी फेरी गई दोवां दे विच भी उन्हां दी वक्री सी ते उन्हां दी वक्री सी नहीं। बाणी दी विचार इक्को है, जो तो हा जुगत साए शैकाया फेर पलटी है। बाणी दी विचार एक है, इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। ते जिहड़ा आपां शब्द लिया सी ना उत्थे गुरु साहब ने आख्या कहिंदे गुर पूरे मेरी राख लई, पूरे गुरु ने मेरी रख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई। मेरे गुरु ने जदों मेरे अंदर अमृतमई नाम टिका दिता, वो अमृतमई नाम की है? नाम की परिभाषा की है जी, बाणी का वाक पढ़ लो, किसी नूं भुलेखा ना रह जावे नाम की हुंदा है। पातशाह ने आख्या सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। सतसंगत की हुंदी है? जिथे एक नाम दी विचार है। ते पातशाह जी नाम की हुंदा वह भी दस दिओ। अगली पंक्ति च कहिंदे एको नाम हुकम है, नानक सतगुर दिया बुझाए दिओ। गुरु दा हुकम मनना ही गुरु दा नाम जपना हुंदा। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। कहिंदे जदों गुरु ने रहमत करके मेरे अंदर अपने हुक्म वाली विचार टिका दित्ती, अमृतमई नाम टिका दित्ता, अमृत नाम हृदय मैं दीनो की होया जन्म जन्म की मैल गई। जेडे मैं अपने पिछले जीवन दे विच पाप कमाए हुए सी ना उन्हां पापां वाली मैल तो मेरा छुटकारा हो गया। भरी है मत पापा के संग, इतने एक बेनती करा, इतने इदा ना पढ़िया करो भरी है मत। कई पढ़ जाते पापा के संग, पापा का मतलब पता की हुंदा? फादर डैडी हुंदा, पापा तो डैडी कहिंदे ना भी ये मेरे पापा ने। उत्थे बिंदी ला के उचारण होना पापा के संग। बहुत सारे पाप का जिक्र हो रहा, फिर पापा कहते ना डैडी बन जाता उदो। भरी है मत पापा के संग वो धुप है नामे कह रहा, जिहड़ा बाणी दी विचार नूं जीवन विच वसा के तोड़दा ना वह अपने जीवन नूं सोहना बना लैंदा। ते पातशाह ने आख्या जदों बाणी दी विचार जीवन च आई पता की होया? निवरे दूत दुष्ट पैर आई, गुर पूरे का जपिया जाप, कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का
बड़ प्रताप कहते सारे दुष्टा तो मेरा छुटकारा हो गया हूँ कोई भी दुष्ट इस दुष्ट किनू आखिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेडे दुष्ट ने यह हमेशा मेरे आत्मक जीवन को तबाह करने वाले पासे तुरदे इतने गल वैसे दोवां दी होनी है भावें काम करो लो मोहकार की गल कर लो तो भावें जोशी पांबे पांधे बाबे जड़े इन्हां दीआं गल्लां कर लो पातशाह ने आखिया कहिंदे दुनिया के लोग आखते ने भी ये बड़े ताकतवर ने कहिंदे ना फलाना पीर बड़ा जारा जी बड़ी ताकत उहदे विच फलाने बाबे अंदर बड़ी ताकत है तो मैं तो आखदा हुंदा भी जे वाकई कोई है तो असीं ते नित बोलदे उहनां दे बारे च वगाड़न मेरा कुछ वगाड़न जिहड़े प्रचारक बोलण वाले करन दसी भी किसी च कोई ताकत नहीं पातशाह ने आख दिता कहिंदे कहां करे कोई बेचारा ये बेचारे ने बेचारे की वगाड़ लैणगे कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड प्रताप मेरा प्रभु बड़ा वड्डा है मालिक दी विचार बड़ी वड्डी है इन्हां च कोई ताकत नहीं है पिता हमारो वड गुसाई साडा पिता वड्डा है ते इन्हां दे कोल की है कख भी नहीं हैगा इस करके मालिक ने आखिया कहिंदे सिमर 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 सुख पाया कहिंदे मैं मालिक दा नाम सिमर के ना गुरु दे हुक्मां मुताबक अपने जीवन नूं बना के कहिंदे मैं ते आत्मक आनंद प्राप्त कर लिया सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही अपने मन दे विच मैं गुरु दे चरण टका ले इक बेनती इत्थे मैं कर दियां अखीरली पंक्ति है कि अपने मन दे विच मैं गुरु दे चरण टका ले आपां हुणे विचार रहे सी ना गुरु दे चरण की हुंदे ने साडा गुरु कोई शरीरक तौर ते ते है नहीं तो जे मन भी लो कि कोई शरीरक तौर उत्ते चरण वसाना चाहे जे कोई शरीरक गुरु किसे दा होवे ओह कहे भी मैं अपने शरीर अंदर वसाउणे ने ते वसाए थोड़ी ना जाने कि ओह अपने गुरु दा पैर वड्डूगा पहलां ते फिर वसाऊगा ते चरण कमल रख मन माही या इत्थे कईआं ने जिस पीढ़े उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश कीता उहदे पावियां नूं चरण आखी जांदे हुण लक्कड़ ते अंदर वसाई नहीं जाणी ते जे ओपरेशन करके वसा भी लई ते भरावा फिर तेरा हाल की बणूगा भी ना ये भी गल क्लीयर होगी ना लकड़ के पावे भी चरण नहीं हो फिर इको गल है चरण किनू आखते ने वो गुरु साहब ने दस दिता हिरदय चरण शब्द सतगुर को हिरदे में चरण वसाने ने पर वो की है शब्द सतगुर को गुरु का शब्द ही गुरु के चरण होंगे जेडे मन में वसाए जाते ने सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही ता की शरण परे नानक दास जाते उपर को नाही कहिंदे मैं तो उस मालिक की शरण में पै गया जिदे तो वड्डा इस दुनिया के होर कोई है ही नहीं बाकी सारे तो निके मोटे ने हुण फैसला असी कर लईए भी असी किस पासे नूं जाना है खंडे की पौल लैके मालिक के मार्ग के उत्ते तुरना है बाणी नूं पढ़ना है बाणी नूं विचारना है जां बाणी तो वक्ख हो के किसी होर पासे नूं जाना ये साडे उत्ते है ना जां को ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर घर जात ना सोही कहिंदे जिन्हां दा मालिक उच्चा होवे ना ओह पराए घर जांदे चंगे नहीं लगदे वो कितने होर जाते हैं चंगे नहीं लगते इस करके आओ मालक जी विचार वाले पासे नूं तुरिए तां जो साडा जीवन सवर जावे इतनिया को बेनतियां प्रवान करनिया सभना का धन्यवाद शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिन्हां ने बल बख्शिया कि आप जी दे नाल विचारां सांझियां कीतियां जा सकन सभना का धन्यवाद।